बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरबिया जद्दा बनी माल से लाइव हूँ आपके साथ। मैं इस वक्त के ताज़ा तरीन जो सूरत आला यानी कि यहाँ की जो बनी माल की खासकर उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ मैं, और उसके अलावा कुछ आपको ये भी बताता रहता हूँ कि हम परदेसी भाइयों को, गैर मुल्की भाइयों को लूटने के नए से नए तरीके मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। अच्छा, ये जैन वालों की तरफ से खुद से अभी मुझे भी मैसेज आ चुका है, और जब मेरे भाई सऊदी अरबिया में रहते हैं गालबन, अगर आप जैन की सिम यूज़ करते हैं तो आपको भी ये मैसेज आ चुका होगा। अभी एक नया तरीका मुतारफ़ करवा दिया गया है, वो कौन सा, आप इसके धोखे में मत आ जाइएगा और अपने रियाल मत लुटा लीजिएगा। जैसा कि पहले काले वगैरह आती होती थी, आपका इतने लाख का इनाम लग गया, फिर उसके बाद NCF और राजीव बैंक है जी, और क्विक पे की तरफ से काले आने लग गई ईमो वगैरह के ऊपर कि आप अपना कार्ड अपडेट करें, ये है वो, अपने कार्ड का नंबर बताएं, अपना पासवर्ड बताएं, हम अपडेट कर रहे हैं। उस बंदे के कार्ड में जो कुछ भी होता था वो निकाल लेते। अभी एक ये नया तरीका मुतारफ करवा देगा। जब मेरे पास ये मैसेज आया, मैं भी जब पढ़ने लगा ना, उस टाइम मैंने सोचा शायद जैन की तरफ से कोई नौकरी की ऑप्शन यानी कि कोई मुझे ऑप्शन मिल दी जा रखी है, लेकिन जब मैंने पूरा मैसेज पढ़ा उसके बाद मुझे समझ आई है। यहाँ पर क्या है वो मैसेज, मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखा भी रखा हूँ। क्या आपको एक ज़बरदस्त नौकरी की पेशकश मिली है जिस पर आप दरख्वास्त देना चाहते हैं? भेजने वाले को कोई निजी मालूमात फराहम करने से पहले जी भेजने वाले की शिनाख्त चेक करें, क्योंकि ये मुमकिन तौर पर एक फिशिंग ट्रैप है, लिहाजा किसी भी मसले की सूरत में आप जिम्मेदार होंगे। सिक्योरिटी आगाही प्रोग्राम, यानी कि आपको कोई भी बंदा नौकरी के मुतल्लिक लेकर जैन के किसी नंबर से या किसी और नंबर से कॉल करता है, बोलता है जी आपको नौकरी चाहिए, हम नौकरियाँ दे रहे हैं, आपको नौकरी चाहिए, आपके पास आप अपना इकामा नंबर दे दीजिए हमें जी, आपका इकामा नंबर, आपके कितने एक्सपायर हैं, आपके इकामे एक हैं, दो हैं, अगर नहीं एक्सपायर हैं तो आपके कौन सी जॉब कर रहे हैं, किस चीज़ में माहिर हैं, आप कितनी सैलरी ले रहे हैं, हम आपको इतनी सैलरी देंगे, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट दें, ये है वो है, ऐसी चीज़ें आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म से भाई वो लूट सकता है। तो ये जैन वालों की तरफ से खुद से एक मैसेज आया मुझे, मैंने बोला आप भाइयों के साथ भी शेयर कर दूँ। कोई भी बंदा अगर आपको किसी भी नौकरी को लेकर कोई भी किसी किस्म की कॉल करता है तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है। फिर